हेलो वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस एमआई मोबाइल है, एमआई नोट 5। तो आप लोग जानते हैं एमआई नोट 5 है, फिंगरप्रिंट है, उसके बाद आपको लॉक स्क्रीन में बात करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ लॉक स्क्रीन। तो दोस्तों एमआई नोट 5 है तो आपको फिंगरप्रिंट है और मैन लॉक है, तो आप लोग फेस लॉक नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको फेस लॉक कैसे आप मिला अनलॉक करते हैं मैं इसको दिखा दूँगा। दोस्तों इस मोबाइल पर एमआई नोट 5 है मेरा मोबाइल, तो मैं इसको फिक्स अनलॉक आपको मैं करके दिखा दूँगा। तो फिक्स अनलॉक कैसे करते हैं तो मैं इसको इस वीडियो में बना है, तो आप लोग देख लीजिए फुल। तो सबसे पहले मैं इसको आप लोग कैसे इस फिक्स लॉक को अपने मोबाइल पर ऐड कर सकते हो सिस्टम पर। तो सबसे पहले आपको जाना है सिस्टम पर, तो सिस्टम पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद मैं आपको देखा देता हूँ, सेटिंग पर जाना है, एमआई नोट 5 पे आपको मिल जाएगा फेस अनलॉक। तो फेस अनलॉक कैसे करता है मैं इसको वीडियो से देखा दूँगा। सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है, मैं इसको सेटिंग पर खोल करके देखा देता हूँ। तो सेटिंग पर जाने के बाद आपके साथ ऐसा पे जाएगी। तो सबसे पहले बात मैं करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात है मेरा, मैं इस आपको दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है सबसे नीचे दिख, तो नीचे जाना है। तो मैं इसको टिक करके दिखा दूँगा। सबसे पहले नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर सिस्टम डिवाइस आपको मिल जाएगी, यहाँ पर दोस्तों सिस्टम डिवाइस, उसके बाद आपको मिला है लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड। तो आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना होगा, तो मैं इसे लॉक स्क्रीन पर क्लिक करके दिखा दूंगा। सबसे पहले लॉक स्क्रीन पर जब क्लिक करोगे तो आपके साथ ऐसा पे जाएगी। दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगरप्रिंट है, मेरा फेस अनलॉक भी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो फेस मैनेजर फेस एंड डाटा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये आपको नहीं देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों आपके मोबाइल पर इस फेस लॉक नहीं आ रहा है तो वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों कैसे इसको इस मोबाइल पर एमआई नोट 5 पर इससे नाना इसको शो करना है तो इस वीडियो में पूरा देखना है। तो सबसे पहले कैसे इस फेस लॉक को यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर शो करना है, तो सबसे पहले मैं इसको बैक करके देखा दो कैसे करना है। तो सबसे पहले हाँ दोस्तों आपको बैक जाने के बाद आपको मिल जाएगा इस यहाँ पर अबाउट पर जाना है। आप जब अबाउट पर जाओगी अबाउट फोन आपको वहाँ पर क्लिक करना है, एप और फोन आपको देखने के मिल जाएगी। जो आपको एप और फोन पर क्लिक करना होगा तो मैं इसको क्लिक करके देखा दिया पर दोस्तों आपको एप और फोन क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके साथ ऐसा पेज आएगी। तो मैं इसको देखा है तो आपके बारे में आपके मोबाइल पर बारे में ऐसे बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पर। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा पे जाएगा। तो सबसे पहले मेरा मोबाइल है यहाँ पर दोस्तों रेडमी नोट 5 मॉडल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट 5 मेरा मोबाइल है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर मुझे देख सकते हो और मुझे वर्जन है ये मेरा रैम 3 GB यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों इंटरनल मेमोरी यहाँ पर देख सकते हो, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्लिक करना है सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है। आपको सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना होगा, आपको दोस्तों देख सकते हो इस सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना होगा। आपका मोबाइल अपडेट नहीं किया तो सबसे पहले इसको सिस्टम चेक करके अपडेट कर लीजिए। तो अपडेट करने के बाद आपके साथ इस आपको इस अपडेट करने के आपको बीस कुछ में आपको मिलेगा 1.4 GB का इस अपडेट वर्जन। आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आपको डाउनलोड होगा 1.4।
1.4 आपको 1400 MB आपको डाउनलोड करने के बोलेगा, 1400 MB आपको डाउनलोड करना होगा। जो 1400 MB डाउनलोड करने के बाद आपके साथ ऐसा आपको बोलेगा रिबूट करने के लिए, तो इस मोबाइल का रिबूट कर दीजिए। रिबूट करने के बाद आपका आपको मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, आपको कुछ देर के बाद ऑन हो जाएगी, आपको मिलेगा 5 मिनट बाद आपको मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। मिनिमम 5 मिनट से 10 मिनट आपको मोबाइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस आपको चेक करना है स्क्रीन लॉक पर। तो मैं स्क्रीन लॉक पर जाके देखा है। हाँ दोस्तों, अपडेट तो मेरा हो गया। तो सबसे पहले मैं इसको आपको मैं देखा तो आपके साथ ऐसा पे जाएगी, आपके साथ सिक्योरिटी भी आ जाएगी एवं नोटिफाई पर। तो सबसे पहले अबाउट पर क्लिक करके आप देख सकते हो तो कितना सारा वर्जन चेंज हो गया है, मेरा कितना सारा वर्जन चेंज हो गया है आप देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते थे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरा केला वर्जन कितना था, आपको कितना हो गया एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हो दोस्तों कितना हो गया। आपको मेरा मोबाइल मेरा नाम है देख सकते हो, इस मोबाइल पर रेडमी नोट 5। उसके बाद सिस्टम अपडेट देख सकते हो, मेरा सिस्टम अपडेट नहीं चला है। तो सिस्टम अपडेट पर जब मैं जाके देखा जाता हूँ, ये बोल रहा है कि कैन नॉट कनेक्ट टू नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है, आपको चेकिंग पर अपडेट पर क्लिक करके वो अपडेट करके कर लीजिए। तो मेरा अपडेट नहीं है, तो मैं अपडेट कर गया था इसलिए। तो सबसे पहले मैं इसको डाटा ऑन करके वो देखा जाता हूँ कि यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि नहीं। दोस्तों ये बोला है नो अपडेट इस मोबाइल अवेलेबल, तो मैंने तो अपडेट कर लिया था इसलिए मेरा नो अवेलेबल है। तो सबसे पहले इसको अपडेट कर लीजिए दोस्तों, इसको अपडेट कर लीजिए नोट, इस पर आपको बाहर से मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते लॉक, तो बैग जाने के बाद आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। तो लॉक स्क्रीन पर जब क्लिक करोगी तो आपके साथ ऐसा पे जाएगी फेक्स अनलॉक की। तो आपको मैं फेक्स अनलॉक करके देखाता हूँ, यहाँ पर फेक्स अनलॉक, तो मैं फेक्स अनलॉक को करके देखाता हूँ। दोस्तों मैंने इसको डिलीट कर दिया, दूसरा बार फिर से करके देखा दूँगा। यहाँ पर ऐड योर फेक्स लॉक आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड योर फेक्स लॉक। यहाँ पर ऐड लॉक फेक्स लॉक पर क्लिक करोगे तो आपके साथ पिन पासवर्ड मांगेगा। तो सबसे पहले आप पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड में डाल के देखा जाओ। दोस्तों मैंने पिन कोड डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मांगेगा 3 सेकंड वेट करने के बोलेगा। यहाँ पर देखो 3 सेकंड वेट, उसके बाद नेक्स्ट करने के बोलेगा। देखो सिक्योरिटी लॉक यहाँ पर आया है, सिक्योरिटी इज अनलॉक, यहाँ पर आपको प्राइम दे रहा है नोटिस है आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। तो आपको पिन आपको पासवर्ड पैटर्न उसको देना पड़ेगा, उसके बाद इस काम करेगा। सबसे पहले नेक्स्ट करके देखा लेता हूँ, आपका मोबाइल पर पिन एंड पासवर्ड लगाना जरूरी है, तो सबसे लगा लीजिए, मैं तो मेरा लगा है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो आपको नेक्स्ट पर जब क्लिक करो तो आपके साथ ऐसा पेज आएगी, यहाँ पर मिल रहा है तो आपको यहाँ पर फेक्स लॉक डाल देना है। तो मैं इसको फेक्स लॉक करके देखा है, तो मैं यहाँ पर आपको कैमरा से मेरा फोटो यहाँ पर डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर लॉक को करके देखा जाता, आप लोग ऐसे करना होगा। उसके बाद आपको डॉन आ जाएगी, डॉन करके आप लोग कर सकते हो। तो मैंने इसको लॉक कर दिया, उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर अलाउ आपको नहीं आएगी तो आपको अलाउ कर देना है, तो मैं इसको अलाउ कर दिया। उसके बाद मैं बैक करके आपको देखा जाए, इसके बाद आपको ऐसा पे जाएगी, यहाँ पर आपको फेक्स लॉक अनलॉक मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा था, दोस्तों प्लीज़ लाइक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसको फेक्स लॉक अनलॉक करके देखाता हूँ, मैं इसको करके अब मैं फेक्स को अनलॉक कैसे करता है मैं इसको देखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लॉक करके देखाता हूँ, मैं यहाँ पर लॉक हो गया है, फिर से लॉक करके देखाता हूँ, डाउट कर दिया। तो देख सकते हो मेरा खुल गया लॉक। दोस्तों उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस उम्मीद है फिर से ऑफर लेके रहूँगा, तब तक ले बाय।